सो हे गाइस, आज YouTube हैंडल फीचर लंच हो गया है। दोस्तों, जितने भी बड़े छोटे क्रिएटर हैं सभी के पास YouTube की तरफ से ईमेल आया है कि आप अपना हैंडल सेट कर ले। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिनको YouTube की तरफ से कोई भी मेल नहीं आया है। क्या उनका जो हैंडल है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, जिनका अगर YouTube की तरफ से मेल आ गया है तो वो अपना जो YouTube हैंडल है वो जल्द से जल्द सेट कर ले, क्योंकि दोस्तों वो और अगर रिजर्व कर लेगा तो फिर आपको वो YouTube हैंडल नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपको अगर मेल आ गया है तो आप जल्द से जल्द उसको रजिस्टर कर ले। लेकिन आपके पास YouTube के तरफ से कोई भी मेल नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके चैनल पे YouTube हैंडल मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे YouTube पे वीडियो मिल जाएंगे जिस पर बताया जा रहा है कि आप ये सेटिंग कर लो, आपको ये मेल मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा आपको कोई सेटिंग नहीं करना है, सिर्फ आपको एक फीडबैक भेजना है YouTube को और आपका जो ईमेल है ईमेल पे आपका रिसीव हो जाएगा वो मेल, जिसमें आप YouTube हैंडल को सेट कर सकते हो। दोस्तों, हुआ क्या था कि YouTube ने शुरू में ही बता दिया था कि वो सबसे पहले जो YouTube हैंडल है वो गवर्नमेंट चैनल को देंगे। पहले गवर्नमेंट चैनल पे जितने भी चैनल है गवर्नमेंट का वो सेट कर लेंगे, उसके बाद न्यूज़ चैनल जो है उनको मिलेगा और लास्ट में सभी क्रिएटर को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा हुआ नहीं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे चैनल है जिनका सब्सक्राइबर मिलियंस में है, उनको भी ये मेल रिसीव नहीं हुआ है और उनका चैनल भी मोनेटाइज है, फिर भी उनको यह मेल रिसीव नहीं हुआ है। और ऐसे बहुत सारे चैनल है जिनका सब्सक्राइबर 1000 से कम है, उनको भी ये मेल रिसीव नहीं हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको YouTube को एक फीडबैक भेजना है। फीडबैक आपको कैसे भेजना है और क्या लिख के भेजना है, मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कैसे आपको फीडबैक भेजना है। वो फीडबैक भेजने के लिए आपको मैं ले चलता हूँ मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। दोस्तों, यहाँ पर मैंने YouTube को ओपन कर लिया है। आपको अपने चैनल को लॉगिन कर लेना है सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पर आपको लोगो पे क्लिक करना है, योर चैनल पे जाना है और यहाँ पर आपका अपना चैनल ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले थ्री डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हेल्प एंड फीडबैक का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेंड फीडबैक का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको एक नोट्स टाइप करना होगा। दोस्तों, मैंने यह नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइप कर दिया है, आपको वहाँ से कॉपी करके और ये नोट्स यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर टाइप करके रखा था। दोस्तों, इसमें मैंने बताया है कि मेरे चैनल पर हैंडल नहीं आया है, जो YouTube हैंडल है वो नहीं आया है, कृपया आप मुझे जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दीजिए। मैंने ये यहाँ पर टाइप कर दिया है मैटर, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आप इंग्लिश में ही लिखना, हिंदी में नहीं लिखना, क्योंकि दोस्तों YouTube को हिंदी में समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पर आपको अपने ईमेल से भेजना है जिससे आपका चैनल बना हुआ है, उसी ईमेल से यहाँ पर आपको सेंड करना है ये फीडबैक। दोस्तों, फीडबैक भेजने के लिए यहाँ पर जो सेंड का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों ये फीडबैक चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि थैंक यू फॉर फीडबैक, यहाँ पर चला गया मेरा फीडबैक। आपको अब आपको 1 से 2 दिन वेट करना है, उसके बाद आपके चैनल का जो ईमेल आईडी होगा उस पर मेल रिसीव हो जाएगा जिसमें आप अपना यूट्यूब हैंडल सेट कर पाओगे। तो कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन मैंने ट्विटर पे ट्वीट करके पता किया था यूट्यूब टीम से, तो उन लोगों ने मुझे ये बताया था, इसलिए यह इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, यह जानकारी 100% परफेक्ट है, तो आपको इस पर कोई शक करने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।